जम्मू कश्मीर में सेना ने नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने तंगधर सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए मोर्टार दागे। पाकिस्तान की इस फायरिंग में 4 आम भारतीय भी जख्मी हो गए। वहीं सीमा पार से हुई गोलीबारी का भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया। पाक ने लगातार 4th दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इससे पहले रविवार को पुंछ के शाहपुर सेक्टर में गोलीबारी में 12 दिन के बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। हम कंजर बन के और हम यहाँ पे आए थे, हम अपने डेरे पे बैठे हुए थे तो शेलिंग शुरू हुई थी, तो हमें यहाँ मेडिकल फैसिलिटी जो है मेडिकल वालों ने हमें ला के अपने बैंकर में रखा और हमें अच्छी सेफ्टी दिया और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब बहुत अजीब लगा, बहुत अजीब लगा हमें, मतलब डर गए हम और दूसरी जगह में थे हम बहुत डर गए, छोटे थे हम लोग। बहुत सारे हालात खराब हुए इस वक्त। 2002 से हम बड़ी चैन और आराम से बैठे थे, बड़ी बदकिस्मती से आज फिर फायर खुला, तो अचानक फायर खुलने से लोग डरे हुए, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग लोग इस वक्त इतना डर और खौफ के आलम में। इस वक्त पूरी जो जितनी भी वादी गुरेज और मेहमान का खास करके हमारे मेहमान आए थे, बड़ी बदकिस्मती से उनका भी कुछ उथल पुथल हुआ, वो भी भागने लगे, तो बड़ा ये मुश्किल है। आज सब लोग हम इस वक्त बैंकरों में घुसे।